हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कक्षा 10 का मासिक परीक्षा जून 2024 का ये ओरिजिनल प्रश्नपत्र हम लेकर आ चुके हैं। मैथमेटिक्स कंपल्सरी, यहाँ पर देख सकते हैं गणित का यहाँ पर विषय कोड रहेगा आप लोग का 110, ठीक है। ये ओरिजिनल प्रश्नपत्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार से मैं आप सभी को साइंस और सोशल साइंस का दिया था, सेम टू सेम लड़ा हुआ था, तो उसी प्रकार से भी आपके एग्जाम में हूबहू रहेगा, ठीक है। तो इस पर आप लोग 100% विश्वास कर सकते हैं। और इस चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये चैनल आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस जिला से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीनोमियल, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बताना है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा सभी विद्यार्थी, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर जानते हैं तो। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला का डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि यदि पी एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी टू का मान क्या होगा, पी टू का मान पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, माइनस 6। देखिए, सभी क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं वो करेक्ट है, पहले से बनाकर मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, पी एक्स है पी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ दो रख देना है। तो दो रख के बनाइएगा, सिंपली से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे आएगा, तो देखिए मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ। एस स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो है यहाँ पर, तो सिंपली से आप लोग को दो रखना है, x के जगह पर दो रखना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 6 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 माइनस 6 माइनस 4, देखिए माइनस 4 से यहाँ पर प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 बच जाएगा हमारा यहाँ पर, तो वही हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले से हम बनाकर क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, तो आप लोग इस पर विश्वास करिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन दे कि बहुपद 3x माइनस 4 में शून्य का मान है। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3, यानी कि इसका राइट आंसर कहाँ पर देगा, 4 का राइट आंसर, 4 का राइट आंसर हो जाएगा 4, सॉरी 3, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चार नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया गया एस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यहाँ पर दिया प्लस एक्स माइनस 12 दिया गया, ठीक है। तो 4 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, डायरेक्ट मैं आप लोग को आंसर ही बता देता हूँ। चलिए, पाँच नंबर क्वेश्चन दिया गया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या होगा। तो चलिए, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग पाँच छः नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया गया है कि एस स्क्वायर माइनस 9 के शून्य का है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माइनस 3.3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सात नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, सात नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ठीक है, दिया गया कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यों को का योग है। तो क्या होगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आठ नंबर क्वेश्चन देखोगे, दिया गया कि बहुपद ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के शून्यों का गुणनफल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये वो पूछा जाता है बाबू, गुणनफल ये वो पूछा जाता है योगफल। तो गुणनफल होता है शून्यों का, बहुपद के शून्यों का गुणनफल कितना होता है, तो होता है सी बटा ए, ठीक है। गुणनफल पूछेगा तो सी बटा ए होगा, और ये वो फल पूछेगा तो माइनस बी बटा सी होगा, ठीक है, माइनस बी बटा ए, सॉरी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 का बी हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि शून्य का 2 तथा 3 वाला बहुपद है। तो शून्य का 2 तथा 3 वाला बहुपद क्या होगा, तो देखो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 10 का ए। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चलो ऑप्शन नंबर ए मारना 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखोगे, दिया गया है कि यदि भाजक बराबर ए एस स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का भागफल दिया गया है एक्स प्लस वाई तथा शेष बराबर 0 हो तो भाज का मान क्या होगा। चलो, तो 12 का राइट आंसर आप लोग सी मारना, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि यदि अल्फा तथा बीटा बराबर, दिया गया यहाँ पर बहुपद दिया गया कि एस स्क्वायर माइनस
फोर एक्स प्लस तीन के शून्य हो तो वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा का मान कितना होता है, तो बी बटा सी होता है, इसका मान होता है बी बटा सी, ठीक है। तो हो जाएगा बी माइनस बी यानी कि चार बटा तीन, चार बटा तीन कहाँ पर दिएगा तो तेरह का ये हो जाएगा, ठीक है, तेरह का ये हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेरह का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, चौदह नंबर बहुपद दिया गया यहाँ पर कि एस स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस तीन के शून्यक है, तो इसका शून्यक पूछा जा रहा है, तो इसको बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक है, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका शून्यक जब निकालोगे तो चौदह का राइट आंसर आएगा माइनस तीन कोमा वन, माइनस तीन कोमा वन आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिया कि यदि घन बहुपद दिया गया कि ए एस क्यू प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक दिया गया है कि अल्फा बीटा है और गामा हो तो अल्फा प्लस अल्फा सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पर एक मिनट देखिए यहाँ पर गामा अल्फा बराबर क्या होगा, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पंद्रह का, तो पंद्रह का बी हो जाएगा, ठीक है, पंद्रह का बी हो जाएगा, सी बटा ए होता है, ठीक है, सी बटा ए सूत्र होता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा सोलह नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं, दिया गया कि यदि एक्स और वाई में दो रैखिक समीकरण का आलेख की रेखाएँ प्रतिच्छेदी करती है तो कितने हल होंगे, तो चलिए सोलह का राइट आंसर बताइएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक अद्वितीय हल। अगर इसका पीडीएफ किसी भी विद्यार्थी को चाहिए तो मेरा नंबर है 6207 32720, इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है, ठीक है, तो जल्दी से जाइए और मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है तो आप लोग जुड़ते नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए आप लोग। चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो युगपत रैखिक समीकरणों का आलेख समपाती हो तो कितने हल होंगे, चलिए तो सत्रह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत हल। चलिए अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण दे दिया गया है और इसका आरेख खींचा जाएगा तो कितना होगा, मतलब कैसा होगा, समानांतर होगा कि क्या होगा, तो चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समपाती हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर अठारह का। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया कि दो रैखिक समीकरण यहाँ पर दिया गया है और इसका आरेख पूछा जा रहा है तो उन्नीस का सी हो जाएगा संपाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि दो बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, बीस उन्नीस का सी होगा। बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर बारह है और थ्री एक्स माइनस दो वाई बराबर पाँच हो तो इसका मान पूछा जा रहा है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 20 का ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि दो रैखिक समीकरण का निकाय यहाँ पर दिया गया है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए जेड एक्स प्लस बी बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। चलिए तो इसका एक का हल अद्वितीय है तो क्या हो जाएगा, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए वन बट्टा ए टू बराबर नहीं हो बी वन बट्टा बी टू, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, यदि 2x प्लस वाई बराबर पाँच तथा x प्लस टू वाई बराबर फोर हो तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो देखिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर कि यदि दो बटा एक्स प्लस थ्री बटा वाई बराबर नौ बटा एक्स वाई तथा इतना हो तो, देख चलिए 23 का राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि एस स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस बारह बराबर क्या होगा, तो चलिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी हो जाएगा, ठीक है, बी ठीक है ना, डी मत समझिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो अंकों की संख्या एक्स वाई तथा वाई एक्स का योगफल निम्नलिखित में से किस संख्या का पूर्णतः विभाजित होगा, चलिए तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 26 नंबर क्वेश्चन समीकरण युग्म का एक्स वाई माइनस वाई बराबर टू एक्स सिक्स माइनस टू वाई बराबर तीन का द्वितीय हल है, तो देखिए 26 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी के नॉट थ्री, ठीक है। चलिए इस 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया समीकरण युग में यहाँ पर दे दिया गया है और इसका आंसर पूछा जा रहा है, तो चलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के बराबर 10, ठीक है, क्या हो जाएगा तो के बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि यदि एक्स बराबर माइनस वाई तथा वाई बड़ा हो जीरो से तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक्स वाई और जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, दिया गया कि समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 14 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 4 का हल है, तो चलिए तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर नौ एक्स माइनस सॉरी एक्स बराबर नौ कोमा वाई बराबर पाँच। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है यहाँ पर कि 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर 24 माइनस 24 है,
तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1। ठीक है, चलिए अब हम लोग खंड ब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर लेकर आ चुके हैं हम। ठीक है, लघु उत्तरीय उत्तरीय प्रश्न है तो आप लोग जल्दी से जाइए, जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरा नंबर है 6207-32820। ठीक है, इस नंबर पर हाय सर लिखकर भेज दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जल्दी से जाकर जुड़ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा।